लोगों ने बहुत पसंद किया, आप क्या कहना चाहेंगे? हमेशा बहुत बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, अमेजिंग, थैंक यू सो मच। डायलॉग सुनने को ही नहीं हो रहा। आज आप यहाँ पर गेटी में आए, हमेशा आप आते हैं दर्शकों का प्यार देखने के लिए, किस तरह का रिएक्शन मिल रहा है आपको? बहुत अच्छा रिएक्शन, बहुत खुश हूँ मैं, थैंक यू सब लोग। इंडिया का ब्रूस ली टाइगर श्रॉफ, अरे थैंक यू, थैंक यू। आज तक आपको कैसा लगा? अमेजिंग, दिस इज माय सेकंड टाइम आई एम सीइंग नाउ। पहला बोल रहे हो? जी जी, आज तक किसी ने ऐसा एक्शन किया नहीं, ना कोई करेगा, क्यों? मैं यहाँ 40 साल से आता हूँ, सभी स्टार्स की फिल्में देखता हूँ, लेकिन ऐसा एक्शन माइंड ब्लोइंग कोई नहीं कर सकता। और एक बात बहुत सुपर लगी, जैकी दादा और टाइगर श्रॉफ एक ही फ्रेम में थे, माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लोइंग, अमेजिंग। और उसमें नहीं, उसमें उसमें एक डायलॉग भी है, उसमें एक डायलॉग भी है कि इस बच्चे को माँ बाप ने क्या खा के पैदा किया। बॉलीवुड के क्या कहना चाहिए, इन्होंने अच्छा स्टार दिया है, 5 में से 5 दिया है। मैं हर पिक्चर के लिए मैं इनका रिव्यू सबसे पहले खोल के देखती हूँ। थैंक यू मैडम। लालू मंगीजा को आप देखते कि नहीं? आई लव लालू जी। थैंक यू एवरीवन। एक बात कहना चाहूंगी, टाइगर ने अभी स्टार्ट किया, थैंक यू। नहीं नहीं मैडम, किसी को स्टार्ट नहीं, किसी को आती नहीं, उनकी जाती नहीं। लालू जी के लिए कुछ डायलॉग? आई मिस यू लालू जी, आई होप यू हैव सीन द मूवी। आई विल गिव यू अ रिव्यू। अरे अच्छा, ओके ओके, ग्रेट, ओके। बिल्कुल नहीं, मैं उनको मैच नहीं कर पाऊंगी। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय। कुछ कहना चाहेंगे आप? बाबू भाई, बाबू भाई तो अभी थे मेरे साथ, क्या 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 कहा उन्होंने? आप देखिए रिव्यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गाइस। कम ऑन, कम ऑन गाइस, बस प्लीज साइड, बस नियर मी। हां, अरे मैडम चाह रही है, चाह कैसे बना वो साथ में? बहुत मजा आएगी। इधर आ, एक ही पीछे देख ले, पीछे कोई है? आप लोग देखे? ओके, अनरियल रिस्पॉन्स। मैम क्या कहना चाहिए, इतने बड़े बड़े स्टार को टाइगर फेल करते जा रहे, 3 फैन को फेल करते जा रहे? नहीं, वो सब मैं नहीं बोलना चाहूंगी। जो भी भगवान ने दिया हम उसके लिए बहुत खुश। जैकी सर को स्क्रीन पे देख के कैसा लगा? जो वो लास्ट डायलॉग था ना जैकी सर का, वही रियल लाइफ वाला है उनके लिए। वीरू, वीरू इज रॉकिंग। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। चलो जाने दो, जाने दो, गाड़ी में बैठे। हेलो दादा, मैम एक सेल्फी। Thank you. Thank you. Thanks, guys. Thank you. Ma'am, एक मिनट, एक मिनट. Ma'am. Ma'am. Maybe glass. Ma'am. Thank you. Hello, ma'am. Ma'am, मैंने अपने चैनल पर डाला था कि टाइगर श्रॉफ सर आएंगे, और सब लोग मेरे कमेंट पूछ रहे हैं, कुछ बता देंगी आप? वो बता नहीं सकते इस वक्त। अच्छा, क्या प्लान है उनका? अच्छा, पर आएंगे यूजुअली आते हैं। हां, थैंक यू मैम। वन लास्ट क्वेश्चन, व्हेन आर यू प्लानिंग फॉर मैरिज फॉर टाइगर श्रॉफ? I can't plan. He has to plan. आपने देखा कि नहीं कोई लड़की? थैंक यू, नहीं मत देखेंगे कि नहीं, कुछ बता देंगे? थैंक यू सो मच, थैंक यू, लव यू मैम, थैंक यू, फोटो ले लो ना, थैंक यू। दिख रहा हूँ उठाने तो दे बहुत अच्छा पिक्चर था भाई। बाय बाय टीचर।
तेरे को देने के चक्कर बागी थ्री मुझे एवरेज और अच्छी दोनों ही लगी. अच्छी इसलिए लगी क्योंकि आप बोर नहीं होगे थिएटर में बैठ के, और ये प्रॉपर फैमिली एंटरटेनर फिल्म है जहाँ पे पूरी फैमिली जाकर देख सकती है. बहुत टाइम बाद ऐसी फिल्म आई होगी जहाँ पूरी फैमिली देख सकती है, एंटरटेन हो सकती है विद अ गुड मैसेज. ऑफकोर्स भाईचारा बहुत दिखाया गया है. सो ऑल इन ऑल मैं इस फिल्म को कहूँगी कि हाँ, इट्स अ गुड फिल्म. ऑफकोर्स क्योंकि बागी फ्रेंचाइज, अब जैसे गोलमाल से आप नॉनसेंस कॉमेडी एक्सपेक्ट करते हो और वो अच्छा लगता है देखना बिकॉज आई लव स्लैपस्टिक एंड नॉनसेंस कॉमेडी, तो बागी से आप एक्शन एक्सपेक्ट करते हो. तो बागी देखने अगर आए हो तो रोमांस तो देखने को नहीं मिलेगा, वो DDLJ टाइप्स फिल्म में देखने को मिलेगा. जो फिल्म जिस चीज़ के लिए मशहूर है उस फिल्म में आपको वही देखने मिलेगा. तो अगर आप बागी देखने आ रहे हो और आप ये सोच के आ रहे हैं कि मुझे रोमांस दिखे शाहरुख और काजोल टाइप्स रोमांस, तो वो तो नहीं दिखने वाला. स्टोरी की भी अगर बात करें तो एक्शन फिल्म है, एक्शन ज़्यादा दिखाना है इसीलिए इस फिल्म को टैग दिया गया है एक्शन फिल्म का टैग. और जब फिल्म रिलीज़ होने वाली थी, ट्रेलर आया था, तभी भी कहा था कि यू नो टाइगर श्रॉफ वर्सेस अ होल नेशन, तो वो अपने आप में दिख रहा था कि इट इज़ एन एक्शन फिल्म. तो एक्शन एक अनदर लेवल पे दिखाया गया है कुछ कुछ जगह पर, हालांकि मुझे भी ऐसा लगा जहाँ पे ओवर एग्जैजरेटेड है सीन्स. बट एज एन इंडियन ऑडियंस हम लोग कभी कभी हम खाने में भी अगर ज़्यादा मसाला डालते हैं तो फिल्म में ज़्यादा मसाला तो बनता है, उतना तो बनता ही है. सो अगर सुपरमैन सबके खिलाफ लड़ सकता है तो हमारा टाइगर श्रॉफ क्यों नहीं लड़ सकता. तो एक्शन ओवर थोड़ा सा है बट ठीक है, चलता है यार. एक्टिंग की अगर मैं बात करूँ तो श्रद्धा कपूर वॉज डिसेंट इनफ, गुड इनफ. थोड़ा सा डिफरेंट उन्होंने वो छपरी निब्बी वाला रोल करने की कोशिश की, बट इट्स गुड. क्यूट लग रही है थ्रू आउट द फिल्म. अगर मैं बात करूँ अंकिता लोखंडे की, तो जितना उन्हें रोल दिया गया उसके हिसाब से शी परफॉर्म्ड वेल. रितेश और टाइगर श्रॉफ की बॉन्डिंग आपस में बहुत सॉलिड लग रही है, अच्छी लग रही है. रितेश देशमुख इज़ अ फैंटास्टिक एक्टर, उसमें कोई शक ही नहीं है, वो उनको बोलने वाली बात भी नहीं है, वो सब जानते हैं रितेश कितने अच्छे एक्टर हैं. बात रही टाइगर श्रॉफ की, तो इसमें उन्होंने कॉमेडी के साथ साथ थोड़ा इमोशनल भी वो दिखने की कोशिश कर रहे हैं, बट नॉट बैड आई वुड से फॉर टाइगर श्रॉफ. आउट ऑफ 5 विदाउट एनी डाउट आई विल गिव 3 stars. एंड कंटेंट भी फिल्म का अच्छा है, तो लोगों को अपने बच्चों को भी लेकर जाना चाहिए. भाईचारा इसमें बहुत ज़्यादा दिख रहा है. तो आई थिंक इट्स अ गुड एंटरटेनिंग फिल्म फॉर दिस वीकेंड. पीपल शुड गो एंड वॉच इट एटलीस्ट वंस. ब्रिलियंट, बहुत अच्छा. टेररिस्ट को खात्मा कर दिया और हिंदुस्तानियों का दिल देखो, हिंदुस्तानी अपनी हिंदुस्तानियों को ना बचाता है चंगुल से. टेररिस्ट जो होता है वो कोई हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी, नेपाली, अफगानिस्तानी किसी को नहीं देखता, छोड़ता है. वो सिर्फ अपना मतलब निकालना चाहता है. और हिंदुस्तानी का दिल देखो हर एक को. मैं वो इसमें एक छोटा सा डायलॉग है, वो बोलता है मैं अपने भाइयों को बचाना चाहता हूँ. बोलता हाँ वो हिंदुस्तानी है, बचाओ उसको, क्योंकि वो तो हार मान लेता है ऑलमोस्ट. वो जो टेररिस्ट है गाजा करके, अबू जलाल गाजा टेररिस्ट का नाम, तो ये बोलता है वो पाकिस्तानी भी मेरा भाई है, वो भी बेचारा मासूम है, वो अफगानिस्तान भी मेरा भाई है, वो नेपाली भी मेरा भाई है, सबको छोड़ना पड़ेगा वरना. तो उसमें एक बहुत दमदार डायलॉग है, वो दमदार डायलॉग ये है, बोलता है मेरे पे आएगा तो मैं छोड़ सकता हूँ, छोड़ दूँगा, तो मेरे भाई पे आया तो मैं फोड़ दूँगा. वो बहुत बढ़िया डायलॉग है, मैं तो ये इस्तेमाल करने वाला हूँ. मेरे पे आएगा तो मैं छोड़ दूंगा, मेरे देश पे आऊँगा तो फोड़ दूंगा. कभी मेरे सामने अगर कैसे कोई टेररिस्ट आ जाता है तो मैं तो उनको यही बोलूँगा. सॉरी है, मैं ये सब बातें मुझे अच्छा लगता है बोलना, इसीलिए मैं बोलता हूँ. हाँ, एक्टिंग की बात तो बोलूँगा ही. एक्टिंग की बात टाइगर श्रॉफ, जैकी श्रॉफ एंड एवरीवन, रितेश देशमुख, श्रद्धा कपूर, दिशा पाटनी, एक आइटम सॉन्ग है उनका ग्लैमरस वाला, बहुत अच्छी फिल्म लगी मुझे. पूरा सबका डायरेक्शन, नरेशन, एवरीथिंग वाज फाइन. बहुत बहुत ब्रिलियंट. इनफैक्ट ये हिट मेरे को लगता है ये मासेस क्लासेस सबको अपील करेगी और ये हिट जाएगी. ये आज का जो माहौल है ना, पहला का जो सीक्वेंस है फिल्म का, वो आज का माहौल से थोड़ा सा मेल खाता है. अंकित शर्मा जो IPS ऑफिसर थे, कुछ दिन पहले वो शहीद हो चुके थे. वो जो हमारे देश में जो टुकड़े टुकड़े गैंग है ना, वो लोग हमेशा, दे आर नॉट इंडियन मुस्लिम्स एक्चुअली, दे आर नॉट इंडियन, दे डोंट लव इंडिया, तो वो उनको मार देता. तो वही सीन को थोड़ा बहुत कैप्चर किया है इस फिल्म में.
अब उन्होंने लास्ट में अभी अभी शूट किया या पहले शूट की होगी, ये एक कोइंसिडेंस है। जैकी श्रॉफ इज प्लेइंग एन आईपीएस ऑफिसर एंड ही इज बीन शॉट डाउन। तो बहुत 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 ये हो रहा है।